Hi, this is Sunil Pal here and you're watching Star D News. Keep on watching. All the best. आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। कांग्रेस पार्टी है और प्रदीप यादव जी और बंधु तिर्की जी जन नेता हैं, वो जनता के मुद्दे मसाइल को लेकर के यहाँ लड़ने आए हैं कांग्रेस पार्टी के साथ और कांग्रेस पार्टी में रह करके। कहीं कोई पद की बात नहीं है, पद तो इनको जनता ने ऑलरेडी दिया हुआ है। विधायक से महत्वपूर्ण पद शायद ही कुछ होता है। अगर पार्टी जब समय आएगा, जब इनकी जरूरत होगी, तो निश्चित रूप से इनका पार्टी जहां भी सम्मान दे सकती है देने का काम करेगी। बड़े नेताओं ने दूरी बनाई। आप सबको हम लोगों से बेहतर मालूम है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम जी, दोनों ही मंत्री हैं। और आप जानते हैं कि सदन में आज बैठक बुलाई गई थी सभी विधायकों की, तो उसमें मंत्री का होना अति आवश्यक था, क्योंकि कार्यकर्ताओं का दबाव था और इन लोगों को कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस भवन में आना था, इसलिए ये दोनों उपस्थित हुए और उन लोगों ने इनसे बात करके और हम लोगों से कहा कि आप लोग आज इस काम को देखिए और इसको पूरा कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय राहुल गांधी को के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इसके साथ साथ झारखंड प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर उरांव जी, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और सीएलपी के लीडर विधायक दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम जी,
और उनके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन तमाम नेताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और उनका जितना उनका प्यार मिल रहा है, जितना उनके द्वारा जो उत्साहित किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से आने वाले दिन में ये अलग तरह का एक राजनीतिक पहचान और एक लंबी लकीर खींची जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हम पूरे विश्वास मैं दिलाता हूँ कांग्रेस पार्टी को, आदरणीय प्रदीप भाई हम दोनों हैं, हम विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि एक कार्यकर्ता के रूप में ईमानदारी से काम करते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएंगे और इसका जो भी हमारे पार्टी का समय समय पर जो निर्देश होगा उसको बिल्कुल ईमानदारी से हम लोग निर्वहन करेंगे, उसको पालन करेंगे। यही हम दोनों का, और आज हम लोगों के यहाँ पर जो अभिनंदन किया गया इसके लिए सारे हमारे पूरे कांग्रेस पार्टी के टीम को हम लोग उनको ढेर सारे धन्यवाद देते हैं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। दादा आपने कहा कि किसी पद के लिए नहीं आया उस पार्टी। मैंने पहले ही कहा दिया कि कोई बात, हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम किए हैं, करते आ रहे हैं और आगे भी हम लोग करेंगे। पार्टी की जो जिम्मेवारी होगी, पार्टी का जो डायरेक्शन होगा, निर्देश होगा, उसके अनुसार किया जाएगा, लेकिन हम लोग पार्टी में किसी पद का लालसा लेकर के हम लोग तैयार हैं। और मुझे विश्वास है हम दोनों को, आदरणीय बंधु जी, और हम लोग जिस लड़ाई को लड़ते हैं वो लड़ाई है झारखंडी नौजवानों का हक दिलाने का, यहाँ के दलित पिछड़े आदिवासी मूल वासियों को हक दिलाने का। वो जो अधूरी लड़ाई है कि वर्तमान सरकार और कांग्रेस का मंच हमें लगता है उसे मुकाम तक पहुँचाएगा और उस लड़ाई को हम अंतिम लड़ाई तक पहुँचा पाएंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के नेताओं के आपके आने को लेकर देखिए, आपके मन में यह सवाल उठ सकता है, प्रदीप यादव सबका पसंद ना पसंद नहीं हो सकता, एक व्यक्ति सबके पसंद नहीं हो सकते। आपको थोड़े इतिहास के पन्नों का यदि पलटे तो आपके ध्यान में आएगा कि पूरी दुनिया में जिसे बापू के नाम से लोग जानते हैं, जिन्हें पूछते हैं, जब वो कांग्रेस के संरक्षक थे उस समय उनके विचारों में भी भिन्नता थी, उनसे भी लोग ऐतराज जताते थे। सुभाष चंद्र बोस उनके विरोध में आकर के अपना चुनाव लड़े, कई चीजें सामने थी। तो ये चीजें जब लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी, जहां तानाशाह नहीं रहेगा वहां तो विचारों की भिन्नता रहेगी। भारतीय जनता पार्टी में तानाशाह है तो वहां विचारों की भिन्नता आपको थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन कांग्रेस है, कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो थोड़ी विचारों की भिन्नता रहेगी, पसंद ना पसंद रहेगा। लेकिन मेरा यह प्रयास होगा कि हम सबकी पसंद बनने का प्रयास करें अपने प्रयासों से। आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़, हर खबर का असर।